हम गांव तक छठ पूजा लोग करते हैं, बड़ी आस्था के साथ करते हैं, लेकिन अभी हम छठ पूजा की बात नहीं कर रहे, प्राकृतिक पूजा की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक की पूजा, सरकुल अभी नजदीक में है, अगले महीना के पहले सप्ताह में सरकुल मनाया जाना। सरकुल की आपकी क्या तैयारी, कैसे मनाएंगे सरकुल? हम लोग तो 1932 को मानते ही नहीं है, उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि सदन में भी बहुत कुछ लोग लाया जनभावना का ख्याल करके, सदन ने उसको खारिज कर दिया, बोला हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, मामला खत्म हो गए, ये तो जीवन में आ ही नहीं सकता है, पूरे जीवन में नहीं आ सकता, और आएगा तो होने भी नहीं देंगे, ये भी जान लीजिएगा। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है, मैं हूँ सुभाष देखे। आज हम बात करेंगे कैलाश यादव जी से। कैलाश यादव वही हैं जिनकी चर्चा सब और अभी की जा रही है। लोकल खबर में आपका स्वागत है कैलाश, बताएंगे मैंने सबका अभी वो आदन किया जोहार से, लेकिन अब ट्रेन चला है खतियानी जोहार, क्या लगता है? ये अपना अपना प्रेम का भाषा है, कोई शौक से कह रहा है तो उसे सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी चीज़ को थोपा नहीं जा सकता है, किसी भी चीज़ कोई जोहार करते हैं, कोई प्रणाम करते हैं, कोई सलाम अलैकुम करते हैं, अपना अपना चीज़ है, कोई नमस्ते करते हैं, कोई कोई गुड मॉर्निंग करते हैं, कोई हाय करते हैं, कोई हेलो करते हैं, ये तो अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग सोच है, और झारखंडी जोहार और खतिहानी जोहार ये सब जो है कि इसका तो हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम इसका पक्ष भी नहीं लेते, इसका कोई मतलब नहीं है, ये द्वेषपूर्ण बात है। अभी जब खतियानी जोहार सत्र चला हुआ है तो एक 1932 खतियान का आंदोलन लगातार चल रहा है, और भाषा आंदोलन साथ साथ हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपका नाम भी उछाल रहा है, तो लोग अब कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो किसी का आंदोलन पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता है, उसका एक सीमा है, बॉर्डर होता है, एक एरिया होता है, क्षेत्र होता है, तो आप जो लोग कर रहे हैं करें, उससे हमको क्या आपत्ति है, लेकिन हमारा जो कहना है कि अगर इसको सरकार इस चीज़ को करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, अगर और कोई लोग कर रहा है तो हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। कहने के सरकार के दबाव में दिख रही है सरकार की जो पार्टी है, कांग्रेस के विधायक हों या फिर जेएमएम के विधायक हैं, तो इस आंदोलन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में सरकार तो जनता से ही ना चुनी जाती है, तो जो सरकार कोई भी सरकार हो, आज हेमंत जी हैं, कल दूसरे कोई रहे थे, पिछले बार दूसरे कोई रहे थे, लेकिन जो सॉफ्ट होते हैं, जो लोयल होते हैं, नरम होते हैं, उनसे लोगों की आशा और आकांक्षा ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं जो लोग आवाज़ इसको उठा रहे हैं तो उनको मन में है कि हमारे भावना, हमारे मूल के, हमारे विचार के हैं, तो हमारी बात को सुने, आपकी निजी बात को सुनी जा सकती है, लेकिन सुनने वाला भी वही काम करेगा जो कि संविधान और न्यायालय और व्यवस्था परमिट करेगा, उसके तहत ही कलम चला पाएंगे। हम आपकी बात को सुन सकते हैं, घर में सुन सकते हैं, बाहर सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए जो इतना बड़ा किताब जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया है, जो हमारे सम्मानित, जो हम लोग के आदरणीय रहे हैं, पूजनीय रहे हैं, ये संविधान निर्माता भारत के रहे हैं, जिन्होंने कानून बनाया, उसके अनुसार ही चलेगा राज हो चाहे देश हो, मैं बार बार बोलता है, तो मांग करने वाले को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम उसमें हैं कि नहीं है, उसमें हम जो है कि एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या हमारी बात उस एक्ट के तहत है कि नहीं, उस धारा में आए कि नहीं आएगी, और अगर आप कोई सवाल उठा रहे हैं और जिसको न्यायपालिका परमिट नहीं करेगी, विधायिका परमिट नहीं करेगी, तो आप उसको बेवजह लड़ते रहे तो कौन रोक रहा है? झारखंड जो है बिहार का ही हिस्सा है, और बिहार के समय में और अभी बिहार जब अलग हो चुका है, तो वहाँ भी 1932 खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति लागू है, और जो स्थानीय सर्टिफिकेट जो बनता है उसी के आधार पर बनता है, वो अब झारखंड में वही चीज है, तो उसमें परेशानी क्या है? यही लोग यहाँ लोगों को दुविधा कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। 32 की बात कह के हमको 32 शब्द से विरोध नहीं है, विरोध है कि आप बिहार के जब अगर मान रहे हैं कि बिहार में 32 के आधार पर बन रहा है, तो ये यहाँ लोगों को भरमाया जा रहा है, इसलिए भरमाया जा रहा है,
आपका जब राज जब अलग बट गया तो जिस दिन से राज बट गया उस दिन से ना उस जमीन का जायदाद का संपत्ति का घर का मकान का ऑफिस का आदमी का जानवर का पेड़ का पौधा का नदी नाला गंगा का गिनती होगा देखा जाएगा। आप दूसरे राज के नकल कीजिए, एक तरफ कहते हैं कि बिहारी पसंद नहीं है बाहरी है और एक तरफ उसी के फॉर्मूले की बात करते हैं। क्या मजाक बना के रख दिया आपने, ये तमाशबीन बना के आप लोग रख दिया। पहले आप स्टैंड कीजिए एक बात पर कि हम किस चीज पर हैं। आपको बिहारी को आप अतिक्रमणकारी घुसपैठी कर और उसी को आप जो है कि आधार मान रहे हैं तो आपका जो है कि सवाल ही गलत है और आपका सोच ही गलत है, तो उस पर हम क्या जवाब दें। अच्छा, आप काफी दिनों से काफी सालों से यहाँ पर हैं, आपके युगों से हैं, युगों से हैं, आप मानते हैं इस बात को, तो यहाँ के झारखंड आंदोलन को भी आप करीब से देखे। बिल्कुल, तो आप बताइए कि झारखंड आंदोलन किस लिए हुआ और अलग राज्य की मांग क्यों की जा रही थी? क्या झारखंड राज हुआ था भाषा को लेकर, पहले बताइए, झारखंड राज के आंदोलन भाषा को लेकर हुआ था? भाषा को लेकर हुआ था, बताइए बताइए ना, आपको बताइए ना, आपकी सुनना चाहते हैं। तो झारखंड, झारखंड जिसके लिए बना झारखंड, तो उसमें हम भी झारखंडी है, हम भी उस आंदोलन के जो है कि सदस्य रहे हैं, हमारे पुरखों रहे हैं, हमारे बुजुर्ग। ये बताइए कि तीन पीढ़ी चार पीढ़ी पहले कौन किस जाति से उसका पुश्तैनी आता था किसी को पता है? वो हिंदू था कि मुस्लिम था कि अंग्रेज था कि कौन था, आप बता सकते हैं? आपके दादा परदादा परदादा के परदादा कौन था? तीन चार पुरुष के पहले आप कौन जाति से आते थे कोई जानता है? कौन धर्म से आते थे कोई जानता है? राज देश बंटवारा हो गया तो आप 100 साल पहले के विरासत अपने परिवार के जान सकते हैं, 200 साल पहले का नहीं जान सकते, 300 साल पहले का नहीं जान सकते हैं कि किस जाति के हम थे, किस जाति के वंशज हम और आप कह सकते हैं, दबा ठोक सकते हैं। चलिए, अब जब ये सब आधारहीन बात, जब एक बार फिर से 22 साल बाद 1932 खतियान और स्थानीय नीति के लिए आंदोलन हुआ तो बिहारी कहा जाता है, घुसपैठिया कहा जाता है, अतिक्रमणकारी कहा जाता है, तो क्या लगता है कि आप कितने झारखंडी हैं? 3.5 करोड़ झारखंडी है, जितनी झारखंड की आबादी है सब झारखंडी है, इसमें कहा कोई फुकट है। 22 साल गुजर गए, हाँ, यहाँ की भाषा यहाँ के पर्व त्योहार के कितने करीब आप खुद को मानते हैं? बिल्कुल है, सबका एक ही संस्कृति है, एक ही पर्व त्योहार का रीति रिवाज है, खान पियन अलग हो सकता है, धर्म का प्रार्थना का रूप अलग हो सकता है, ईश्वर तो एक ही है जिसको किसी ने नहीं देखा है। हम भी आस्था को मानते हैं, आप भी आस्था को मानते हैं, क्या हमारे जाति में हमारे धर्म में हमारे समाज में खरपतवार की पूजा नहीं होती है, पेड़ पौधा की पूजा नहीं होती है, पत्ते का नहीं होती है, फूल और फल की नहीं होती है, घास फूसा की नहीं होती है, गोबर की नहीं होती है, जमीन और गंगा जल की पूजा नहीं होती है, नदी की पानी की पूजा नहीं होती है, होती है? पूजा पाठ की बात करें नहीं, नहीं, आखिर में तो आप कैसे तय कीजिएगा? गांव गांव तक छठ पूजा लोग करते हैं, बड़ी आस्था के साथ करते हैं, लेकिन अभी हम छठ पूजा की बात नहीं कर रहे, हम प्राकृतिक पूजा की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक की पूजा, सरकुल अभी नजदीक में है, अगले महीना के पहले सप्ताह में सरकुल मनाया जाना, सरकुल की आपकी क्या तैयारी, कैसे मनाएंगे सरकुल? ये सवाल आपका जीजी है, सरहुल सौहार्द का त्योहार, हाँ, प्रकृति का त्योहार, बिल्कुल सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, हम लोग भी कई जगह जाते हैं, जाना और अपने समाज के बीच मनाना जरूरी नहीं है कि सब लोग आस्तिक होते हैं, बहुत लोग नास्तिक भी होते हैं, आप जबरदस्ती किसी पर थोप दीजिएगा, जो लोग धर्म नहीं मानते हैं, सुनिए, जो लोग धर्म नहीं मानते हैं, जो लोग जाति नहीं मानते हैं, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, तो उसको आप कहिए कि मानो, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको संविधान कानून अलाउ करता है, ऐसा बहुत लोग होंगे, बिल्कुल आप जिसकी बात कर रहे हो उसके समाज में भी ऐसे लोग होंगे। बात यहाँ पर ये है कि छठ हर जगह मनाया, हम छठ और दीपावली की बात ही नहीं कर रहे, लेकिन सरहुल उस तरह से, अरे केवल आप सरहुल को लेकर झारखंड को लेकर नहीं चल सकते, आप प्रकृति पूजा सरहुल एक प्रकृति, बिल्कुल बिल्कुल, आदिवासियों के बीच में सिर्फ मनाया जाता है, मुनिवासी को नहीं, नहीं आपको नहीं पता, अभी भी उस पर्व से आप दूर हैं और कहाँ मनाते हैं? जबरदस्ती नहीं थो, तब ये कोई सवाल ही नहीं है, इसकी लड़ाई थोड़ी हो रही है कि सरहुल मना रहे हो नहीं मना रहे हो, गजब बात है, आप किस चीज को कहाँ ला रहे हैं, इसका कोई वजूद ही नहीं, मतलब ही नहीं है, वो आस्था का चीज है और वो निजी आस्था का चीज है, हमको आस्था जुटेगा तो उसको मनाएंगे, नहीं जुटेगा नहीं मनाएंगे, उसमें कहाँ कोई भेदभाव है, हर राज्य में चाहे देश में कई जाति के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, उसको आप बांट नहीं सकते, वो तो अपना
दिल के अंदर का, आत्मा के अंदर का चीज है। अच्छा, उस पर आपको सवाल आप जब बंगाल जाते हैं, आप महाराष्ट्र जाते हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ घुलते मिलते हैं तो बंगाली सीख जाते हैं, मराठी सीख जाते हैं। आप झारखंड में इतने दिन से, यहाँ का कौन सा लोकल लैंग्वेज आप अभी तक सीखे? कौन सा लोकल लैंग्वेज आप पढ़ाए हैं बताइए ना? कौन सा लोग लो, बातचीत करते हुए सीखते हैं लोग, बोलते बोलते जो लोग सवाल कर रहे हैं उन्हीं से पूछिए कि आप कितना लैंग्वेज को लोगों को बताए हैं, कौन सा लैंग्वेज की जानना चाहते हैं? अभी हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, वो अच्छी बात है। तो लोग जब पढ़ा रहे हैं तो लोग सीखेंगे, जब पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चे छात्र सीखेंगे तो बोलेंगे। किसी के बोली पर और भाषा पर आप जो कि नट बोल्ट कसिएगा, ये नहीं चलेगा, ये हो नहीं सकता है, किसी सूरत में नहीं हो सकता है। ये जिसकी सोच में भरा हुआ है भूसा निकाल दे। अच्छा, अब आगे की क्या तैयारी आप लोगों को, कुछ आंदोलन वगैरह की तैयारी? निश्चित तौर पर आगे की तैयारी हमारी, हम लोग तो 1932 को मानते ही नहीं है और उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि सदन में भी बहुत कुछ लोग लाया जनभावना का ख्याल करके, सदन ने उसको खारिज कर दिया, बोला हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, मामला खत्म हो गई, ये तो जीवन में आ ही नहीं सकता है, पूरे जीवन में नहीं आ सकता, और आएगा तो होने भी नहीं देंगे, ये भी जान लीजिएगा, चाहे इसके लिए जो भी होगा किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस विषय को, जो अंग्रेजों का दिया हुआ चीज है, बनाया हुआ कानून को नहीं। आप खतियान आधारित कैसे राजस्थानीय नीति बनेगा? CNT बिहार में बनता है। अरे आप सुनिए, CNT आपके लिए बना, SPT आपके लिए बना, 32 भी आपके लिए बन जाएगा। 2.5 करोड़ में, 2.5 करोड़ की आबादी में झारखंड का बंटवारा हुआ, 22 वर्ष में 3.5 करोड़ हो गए, 1 करोड़ आदमी कौन है बताइए, कहां से आए हैं, इसको मान्यता कैसे आप दे दिए? क्या बात करते हैं, बेवकूफ बनाने चले हैं? आप ही ज्यादा तेज बने हैं, शासक बने हैं, हम लोग नहीं जानते हैं कौन है 1 करोड़ आदमी, बताइए कैसे बढ़ गया, क्यों पॉपुलेशन बढ़ने दिया, तमाशा बनाएगा? हम लोग नहीं बोलते थे इसका क्या मतलब है, हम लोग उस लाइन पर जाना नहीं चाहते, इसलिए बेसलेस बात है और बेसलेस इशू है। 1932 भी भाषा आप मेरा हटा दिए, क्योंकि सरकार हटाई है, इसलिए सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जब तक नहीं जोड़ेगा, लागू नहीं करेगा, तब तक मेरा जन आंदोलन का स्वरूप तैयार। अभी आप लोगों की लड़ाई जो है भाषा के लिए, बिल्कुल भाषा के लिए क्या तैयारी? भाषा के लिए तैयारी है कि सरकार इसको निरस्त करे, विधानसभा सत्र का हम लोग इंतजार कर रहे थे, 25 को विधानसभा सत्र समाप्त होगा, 26 को हमारा बैठक शुरुआत हो गया, और हम लोग जो है कि पांचों प्रमंडल में चरणबद्ध तरीके से हम लोगों को जागरूक करेंगे, कार्यक्रम करेंगे और प्रतिकार सभा करेंगे सरकार के निर्णय के खिलाफ। कितने लोग जुटेंगे इसमें? इन लोगों को जुटाने की लड़ाई ही नहीं है, हजारों भी जुट सकते हैं, हमको संख्या लेकर चलना ही नहीं है, यहाँ तो लोग चाह रहे हैं कि संख्या जुटाइए, हमको संख्या नहीं जुटाना है, हमको अपनी आवाज को बुलंद करके लोगों को जागरूक करना है कि ये हमारा विषय है, इसको लेकर जब आह्वान होगा तब सारा संख्या में लोगों को निकल रहा है, अभी तो हम लोगों को जगाने के लिए जा रहे हैं और सरकार के निर्णय का विरोध करने जा रहे हैं। आप संख्या की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपका मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज इसलिए क्योंकि अभी जो भी आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं ना, यही झारखंड को बचा के रखा है, नहीं तो कम कन जल गया रहता। अब जहाँ बैठे हैं यही धरती है, यही जगह है, यही घर है बचाने वाला, जान लीजिएगा कि आज लोग जो है कि मैंने फप कर रहे हैं, फन निकाल रहे हैं ऐसी की तरह, समझे ना, इसलिए चैलेंज मत दीजिए। और हम लोग उतना कच्चे दिल और कठोर और उतना नरम पत्थर के शरीर ही नहीं है, ये बना बनाया चीज है, ये वाला और ये वाला भी अभी तोड़ने में लोगों को समय लगेगा। लेकिन लोग तो चुनौती दे रहे हैं, दे दीजिए, उस लोग से हमारी लड़ाई नहीं है, हमको लोग से लड़ाई नहीं है, जो लोग चुनौती दे रहे हैं वो जो है कि गलत कर रहे हैं। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे कैलाश यादव जैसे, अभी 1932 खतियान पर इनकी लड़ाई नहीं, भाषा पर फोकस की। 32 पर भी है, 32 को लागू नहीं होने तक। अच्छा, 32 आधारहीन मांग है, जो सवाल उठाएगा उसका हम लोग काउंटर करते हैं। इन्हें इंतजार है विधानसभा सत्र खत्म होने का, और उसके बाद ये पांचों प्रमंडल का एक अहम बैठक बुला रहे हैं, उसके बाद आगे की रणनीति ये तय करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।